सत्संग जी प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी, संतों का जीवन पूरे संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। उनका व्यवहार ही प्रमाणित कर देता है कि वो संत हैं। जीवन चाहे छोटा हो या बड़ा, संतों का जीवन अनुकरणीय और प्रेरणा का प्रतीक होता है। फूल की महक हवा के बहाव में प्रवाहित होती है, लेकिन संत का व्यक्तित्व देश, दुनिया, समाज को सदा प्रेरित करती है। आज एक ऐसे ही संत और महान गुरसिख के जीवन दर्शन को दास आप संतों के चरणों में रखने जा रहा है। आशा है हम सभी को उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा प्राप्त करनी है। संत विवेक शौक जी के पिता का नाम धर्म सिंह शौक था, माता का नाम पद्मा शौक था, जो सनातन धर्म हाई स्कूल शिमला के हेडमास्टर थे। आपके पिता को दिसंबर 1950 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के आदेश पर प्रधान लाभ सिंह जी द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। चंडीगढ़ शहर नया ही बस रहा था। इस दौरान अनेक नए दफ्तर खुल रहे थे। शौक साहब का दफ्तर भी शिमला से चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। 21 मार्च 1953 में उन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बिमल रखा गया, जिनको प्यार से बबल कहा जाने लगा। 10 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन जब शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज चंडीगढ़ आए हुए थे, उन्होंने शौक साहब को बुलाया और फरमाया कि आज मैं आपको एक दात देने आया हूँ, आपने इनकार नहीं करना है, इस दात को झोली में डलवा लेना है। शौक साहब ने शहंशाह जी से कहा कि आपकी पत्नी दूसरे बच्चे के लिए तैयार नहीं है। फिर शहंशाह जी ने कहा, आप पद्मा जी को कह दे कि वह शहंशाह जी का ध्यान है, वह तुरंत मान जाएंगे। इस प्रकार शहंशाह जी के विशेष वरदान के फलस्वरूप 21 जून 1963 में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम युग प्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने विवेक रखा। वही विवेक जो बुजुर्गों में बुजुर्ग और बच्चों में बच्चा और नौजवानों में नौजवान बन जाते थे। आपको प्यार से नीतू नाम से संबोधित किया जाता था। आप बचपन से ही सत्संग के माहौल में पले बड़े हुए। महापुरुषों के दिव्य संस्कार आपको बचपन से ही प्राप्त होता रहा। सतगुरु की कृपा से सन 1963 में चंडीगढ़ के सेक्टर 15D में सत्संग भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ। भवन निर्माण के कार्य में विवेक जी की माता जी और पिता दिन रात तल्लीन रहे। चंडीगढ़ में ही इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई की, फिर आगे की पढ़ाई विवेक जी ने चंडीगढ़ के इंडो स्विस कॉलेज में की। आपके पिता आपको नियमित संगत प्राप्त हो, इस बात का सदैव ध्यान रखते थे। एक बार घर आकर स्कूल से जो काम मिला था उसे नहीं किया, और रात को जब संगत जाने का समय हुआ तो आपने अपनी माता पद्मा जी से विनती की कि वो कहे कि आपको स्कूल का काम करना है और आपके पिता शौक साहब आपको सत्संग न ले जाएं। हुआ भी ऐसा। माता पद्मा जी ने शौक साहब जी से निवेदन किया कि आज आपको स्कूल का काम करना है, इसलिए आज आपको संगत वो न ले जाएं, और वो लेके भी नहीं गए। शौक साहब बहुत ही धैर्य और विचारशील महात्मा थे। 3-4 दिन बीत गए,
विवेक जी अपने पिता के साथ सैर पर निकले। विवेक जी के पिताजी ने समयानुकूल ही अपनी बात को समझाने का प्रयास किया। बातों बातों में उन्होंने आपसे पूछा, नीटू जी एक बात बताइए, यदि आप स्कूल का काम घर से करके नहीं जाते हैं तो आपकी मैडम क्या कहती हैं आपसे? विवेक जी ने भोलेपन में कहा, डैडी जी मैडम जी सदा सजा देती हैं और सबके सामने बेइज्जती भी हो जाती है। फिर आपके पिता ने आपको समझाया, अच्छा तो स्कूल का काम नहीं करने से मैडम जी सजा देती हैं, वो तो आप जानते हैं और उससे बचने का प्रयास भी आप करते हैं, परंतु जो नुकसान सत्संग में गैर हाजिर होकर होता है, कभी उसके बारे में आपने सोचा है? संतों महापुरुषों के वचन हमारे जीवन को सहज भाव में बदल रहे होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि से तकदीरें बदल रही होती है। इस कारण जो नुकसान सत्संग में गैर हाजिर होने पर हमें उठाना पड़ता है, भले ही वह दिखाई न दे, परंतु यह बहुत बड़ा नुकसान है। आपके पिता ने आपको समझाते हुए कहा, आगे से आप स्कूल का काम सत्संग से पहले कर लिया करें, फिर आपको मम्मी की सिफारिश नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। यह बात विवेक जी बाल संगतों में अक्सर सत्संग के महत्व को समझाते हुए कहा करते थे। सेक्टर 15 डी चंडीगढ़ में निरंकारी सत्संग भवन का निर्माण हुआ। जब भी निरंकारी परिवार रविवार के संगत में आते थे तो बच्चों को साथ लाते थे। बड़ों को संगत का पूरा आनंद लेने के लिए, बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए आदरणीय महात्मा एचएस निर्वाण जी बच्चों को अलग से बिठाकर बाल संगत का शुभारंभ किए। इसमें 15-20 बच्चे भाग लेने लगे। इस तरह 8-9 वर्ष निकल गए, लेकिन कई कारणों से बाल संगत आगे नहीं बढ़ पाई। पूज्य बाबू केशव राम जी ने उस समय के चंडीगढ़ के प्रमुख आदरणीय महात्मा धर्म सिंह सौख जी के चरणों में विनती की कि चंडीगढ़ में सेक्टर वाइज बच्चों की संगतें शुरू की जाए और इन संगतों की सरपरस्ती बच्चे विवेक सौख जी को सौंपी जाए, ताकि बच्चों को प्रेरणा व उत्साह देकर संगतों के साथ जोड़ा जा सके। सौख साहब जी ने बाल संगतें शुरू करने की अनुमति दी इस स्तर पर कि बच्चों को संगत में लाना, संगतों में उसका सही मार्गदर्शन करना व उनकी सुरक्षा आदि की जिम्मेदारी पूज्य केशवराम जी को ही संभालनी होगी। पूज्य केशवराम जी ने इस बात को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। सतगुरु की कृपा को स्वीकार मिलते ही विवेक सौख जी को साथ लेकर पूज्य केशवराम जी चंडीगढ़ में सेक्टर वाइज बच्चों की संगतें शुरू कर दी। दिन प्रतिदिन बच्चों में लगन बढ़ती गई और जहां बच्चों की संगतों की संख्या कम हुआ करती थी, वहां संगतों में बच्चों की गिनती भी ज्यादा से ज्यादा होने लगी। अपनी उसी लगन और उत्साह के साथ पूज्य केशवराम जी ने सन 1972 में सर्वप्रथम एक बाल समागम का आयोजन अपनी नई कोठी नंबर 17 सेक्टर 19A चंडीगढ़ में किया। इस समागम में 250 से अधिक बच्चों ने भाग लिया, जिसमें स्टेज पे पूज्य विवेक सौख जी को बिठाया गया और संगत का सारा कार्यक्रम बच्चों द्वारा ही संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम प्रमुख बात यही था, यहाँ स्थानीय प्रमुख पूज्य डीएस सौख जी, स्थानीय प्रबंधक महात्मा और प्रचारक महात्मा भी
दरियों पे बैठकर बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। बड़ा ही मनोरम दृश्य देखने में लग रहा था। यही निरंकारी मिशन के इतिहास में बाल संगत के शुभारंभ की पृष्ठभूमि लिखी जा रही थी। पिता की सीख से आप चलता फिरता विद्यालय बन चुके थे। सत्य, दीक्षा, काव्य प्रवीणता, प्रभावशाली वक्ता के गुण आपको विरासत में मिले थे, जो कालांतर में देखने को भी मिला। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में भी जहां माया का प्रभाव प्रबल होता है, वहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए भी गुरुमत को जीवन में बसाए रखना सहज नहीं था। पर आपने प्रमाणित कर दिया जो शास्त्रों में कहा है, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। यदि हृदय में इंसानियत का वास हो तो हमेशा गुरु भक्ति और गुरु की कृपा से रूहानियत की दात प्राप्त हो ही जाती है। तो मानो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो, उसका मन स्थिर ही रहता है। विवेक जी ने अपने पिता की एक एक बात को जीवन में क्रियात्मक रूप दिया। इसी कारण आप एक संत कलाकार, निष्काम सेवक, मजे हुए अभिनायक, वात्सल्यपूर्ण पिता, दिव्य सुपुत्र, कामयाब जीवन साथी और निष्ठावान गुरु भक्त बनकर उभरे। आपको भी आपके पिता की तरह तखल्लुस का शौक था और आपका तखल्लुस भी शौक ही था। विवेक शौक की कविता, गीत, गजल में गहराई झलकती थी। गुरसिक के भाव भी भरे हुए थे। आपके गीत और गजल बहुत ही लोकप्रिय थे। आपके काव्य में समय की पुकार सुनाई पड़ती थी, कहीं कहीं करुणा रस दृष्टिगोचर होता था। गजल में व्यंग कह पाना कठिन होता है, क्योंकि यह बहुत ही कोमल विद्या है, परंतु विवेक जी की गजलों में व्यंग का बहुत गहरा रूप दिखाई देता है, जिसका हास्य से कोई संबंध नहीं होता, जिसके भाव हृदय को झकझोर कर रख देते हैं। 80 के दशक में ही आपकी माता का निधन हो गया और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा। 2 मई 1980 में आपके पिता संत धर्म सिंह सौख जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। अभी आप 11वीं की ही परीक्षा पास किए हुए थे कि आप पर आत्मनिर्भर होने की जिम्मेदारी आ गई। आपकी देख रेख आपकी बड़ी बहन बिमल कौर जी करने लगी। समय बीतता गया, आपका विवाह सर्वजीत जी से हुआ। आपकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी का नाम राधिका शौक है, छोटी बेटी का नाम मुदिता शौक है और आपके बेटे का नाम सुनिष्ठ है। कॉलेज के दिनों से ही आप अभिनय की कला में अपने आप को समर्पित किए हुए थे। उन दिनों आपके मित्रों ने कॉलेज के हो रहे एक कार्यक्रम में, जिसमें एक नाटक का आयोजन होना था, आपको शामिल कर लिया। आपने दोस्तों का दिल रखने के लिए नाटक में हिस्सा लिया। आपकी एक्टिंग सबको पसंद आई। फिर आपने अभिनय में दिलचस्पी बढ़ाई। कॉलेज के बाद आपने अभिनय जारी रखा और चंडीगढ़ के थिएटरों में आप काम करने लगे। इस दौरान आपकी मुलाकात महान हास्य कलाकार जसपाल भट्टी जी से हुई। आपके मधुर व्यवहार, नम्र स्वभाव और मीठे बोल से जसपाल भट्टी साहब जी बहुत प्रभावित हुए। आपने उनका मन मोह लिया था, इसलिए वो आपको पुत्रवत प्यार देते थे। आप उनके साथ
उल्टा पुल्टा, फ्लॉप शो, फुल टेंशन जैसे प्रसिद्ध धारावाहिक सीरियलों में भी काम किए। जसपाल भट्टी जी के टीम के सदस्य के रूप में भी आपकी गिनती होने लगी। आपने कई फिल्मों में काम किया है और कमर्शियल एड्स में भी काम किए, जिसके विवरण हम अन्य मीडिया माध्यमों में भी देखते रहे हैं। 10 जनवरी 2010 को सुबह 5 बजे आपने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। आपके निधन से निरंकारी मिशन में मानो स्तब्धता सी छा गई। लोग सोच में पड़ गए कि सतगुरु के दुलारे महात्मा विवेक चौक जी का आकाशमार्ग ही सबसे बिछोड़ा हो जाना अपने आप में एक आश्चर्य था। आश्चर्य केवल निरंकारी मिशन के महापुरुषों में नहीं बल्कि दुनिया के लोगों में भी था। फिल्मी दुनिया में भी जिन जिन से आपका जुड़ाव था वो सभी स्तब्ध रह गए और शोक की लहर फैल गई। 11 जनवरी 2011 को शाम 4 बजे आपकी याद में एक विशेष सत्संग का आयोजन किया गया, जो हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अनेक महात्मा उपस्थित हुए, जिसमें पूज्य उपासक जी जेआरडी सत्यार्थी जी जैसे महात्मा भी शामिल थे। पूज्य शास्त्री जी ने विवेक जी के जीवन दर्शन को समझाते हुए कहा कि विवेक जी ने हमेशा कमल की तरह अपने जीवन को व्यतीत किया। परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हो, वो हमेशा विवेक का आश्रय लेते रहे और हमें भी उन्हीं की तरह विवेक का ही आधार लेकर जीवन जीना चाहिए। विवेक जी हमेशा बच्चों में बच्चा, युवाओं में जवान और बुजुर्गों में बुजुर्ग बन जाते थे। वो बुजुर्गों की तरह भी उपदेश दिया करते थे और बुजुर्ग भी जिसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते। कभी कभी बुजुर्ग कह भी दिया करते थे कि आज का जवान ये हमें उपदेश दे रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वास्तविकता ये है कि वो अपना किरदार निभा रहे थे। वो जीवन ही महान होता है जिनके जीवन से सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी आपके गुणों का वखान किया और ये कहा कि संतों का जीवन विशालता वाला होता है, नम्रता वाला होता है, प्रेम वाला होता है, जो वास्तव में आपने जिया था। आप युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत थे और युवाओं को ऐसी प्रेरणा दे देते थे। एक युवा महात्मा हमेशा कहता था कि हमें विवेक जी से प्रेरणा मिली है। हमेशा ही आप गुरु भक्ति, गुरु मर्यादा को महत्व देते थे। फिल्मी सफर में भी एक दफा किसी ने पूछा कि आपकी फीस क्या होती होगी, तो आपने सहज ही कह दिया कि मैं कभी फीस मांगता ही नहीं हूं, मैं इस ओर मेरा रुझान ही नहीं है। ऐसा महान जीवन दर्शन कहां मिलता है, जो बचपन से ही आध्यात्म की ओर जागरूक हो, भक्ति कर रहा हो और लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हो। ऐसे जीवन दर्शन को अपनाने की आवश्यकता है। ऐसा जीवन ही मानवता को, इंसानियत को और हर एक के जीवन को छू जाता है और ये बताता है कि जीवन कैसा होना चाहिए। विवेक जी के जीवन को छोटे से व्याख्यान से नहीं दर्शाया जा सकता। वो तो ऐसा था
जो महान ऋषियों वाला जीवन होता है, और उस जीवन को श्रद्धा सुमन हम सभी तभी अर्पित कर सकते हैं जब हमारे जीवन में वैसे कर्म हो जो उन्होंने बताए थे, वैसे वचन हो जैसा वो बोलते थे, और वैसा ही आचरण हो जैसा वो गुरु की भक्ति में निभाते थे। आइए ऐसे ऐसे संतों से प्रेरित होकर हम अपने जीवन की यात्रा को तय करें, और हमेशा ही ऐसे महापुरुषों के जीवनी को श्रवण करें, उनके वचनों को श्रवण करें, और सेवा सिमरन सत्संग का आधार जैसे ये दिव्य जीवन लेता रहा है, ऐसा ही आधार हम सभी अपने जीवन में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जीवन की यात्रा को तय करें, गुरु के आदेश का पालन करते हुए हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार होते हुए जीवन को जीते चले जाएं। प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए, धन्यवाद।